मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है नमस्कार मैं हूं नरेश कुमार सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं आज बात करेंगे अक्टूबर महीने के राशिफल की और बात होगी धनुराशि के जातकों की धनुराशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कर्म के लिहाज से कैसा रहेगा यानी कि आपकी जॉब आपकी नौकरी प्रोफेशन कारोबार आपका कैसा रहेगा आपकी इनकम कैसी रहेगी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और स्टूडेंट्स के लिए उनकी स्टडीज कैसी रहेगी इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि गोचर क्या है गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है और गोचर में क्या क्या परिवर्तन होने जा रहा है और उसका आपको क्या फायदा या नुकसान होगा तो आप देख सकते हैं कि ये राशि की कुंडली है ये एक अक्टूबर की कुंडली है और शनि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं तो शनि का तीसरे भाव का गोचर शुभ होता है क्योंकि शनि पाप ग्रह है और पाप ग्रह का तीसरे भाव का गोचर शुभ होता है गुरु पंचम भाव में है ये भी शुभ गोचर में है पंचम भाव में गुरु होने का आपको बहुत ज़्यादा फायदा है क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में लगन के स्वामी है यानी कि राशि के स्वामी है और राशि का स्वामी पंचम में गोचर करता है तो बहुत अच्छी स्थिति है राहु का गोचर अच्छा नहीं है पंचम में शुक्र अष्टम भाव में है शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छा फल करते हैं बुद्ध नौवें भाव में है ये गोचर शुभ नहीं है सूर्य दसवें भाव में है ये शुभ गोचर में है केतु ग्यारहवें भाव में है ये शुभ गोचर में है इनमें से तीन ग्रह राशि करेंगे, बल्कि ये चारों ही परिवर्तन करेंगे शुक्र एक अक्टूबर रात को चेंज हो जाएंगे यहां पर में आ ये शुभ गोचर में रहेंगे उच्च के हो जाएंगे ये के स्वामी कर्म स्थान पर आकर बैठ जाएंगे और मंगल तीन अक्टूबर को यहां से हटेंगे और यहां पर शुभ गोचर में आ जाएंगे पाप ग्रहों का जो गोचर होता है तीसरे छठे ग्यारहवें भाव में बहुत अच्छा होता है तो तीन पाप ग्रह तीन और ग्यारह से गोचर कर रहे हैं ये गोचर आपके लिए शुभ हो गया और सूर्य और बुद्ध यहां पर बुद्ध द्वितीय राज की राजयोग की फॉर्मेशन करेंगे सूर्य यहां से निकलेंगे आगे सत्रह को और यहां पर आ जाएंगे ग्यारहवें भाव में ये भी गोचर शुभ हो गया यानी कि चार पाप ग्रह शुभ गोचर में आ जाएंगे आपके लिए बुद्ध यहां पर दसवें भाव में शुभ गोचर में रहेंगे शुक्र यहां पर नौवें भाव में शुभ गोचर में रहेंगे गुरु जो है वहां पर पंचम में शुभ गोचर में रहेंगे यानी कि अशुभ गोचर यदि हम देखें तो सिर्फ राहु का निकलता है चंद्रमा आगे ट्रांजिट कर जाते हैं 54 फोर आवर्स में उसका बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा लेकिन जो बड़े ग्रह हैं वो उनमें से सारे ग्रह आपके लिए शुभ गोचर में आ जाएंगे सिर्फ राहु को छोड़कर राहु पंचम में शुभ गोचर में नहीं रहते तो ये स्थिति अक्टूबर महीने के लिए है आपको इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी कर्म स्थान में आ जाएगा बुद्ध बुद्ध आपकी कुंडली में कर्म स्थान के स्वामी हैं कर्म स्थान में ही आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर यह भाव मजबूत हो जाएगा सूर्य के साथ यहां पर आकर युति करेंगे तो ये यहां पर एडिशनल बेनिफिट हो इस चीज का जो लोग अकाउंटेंसी के मैनेजमेंट के काम से जुड़े हुए जिनका अपना रही है और धन स्थान का स्वामी जो शनि है वो शुभ गोचर में है तो निश्चित तौर पर पैसे का फ्लो अच्छा रहने वाला है अक्टूबर महीने के दौरान काफी डेवलपमेंट आप देखेंगे कारोबार में भी यदि आप काम करते हैं बिजनेस करते हैं किसी तरह का या आप कोई नौकरी करते हैं या कोई आप फ्रीलांस का काम करते हैं अपना काम करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे कि ग्रोथ आ रही है अक्टूबर का महीना काफी अच्छा रहने वाला है बिजनेस व्यू आ, के व्यू पॉइंट से और अर्निंग के व्यू पॉइंट से तो काफी चीजें जो हैं धनुराशि के लिए अक्टूबर में अच्छी देखने को मिल रही हैं आगे देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी रिलेशनशिप जो है वो मैरिड के लिए सप्तम भाव से देखी जाती है तो ये भाव जो है इस भाव का स्वामी उच्च की स्थिति में आ गए और शुभ गोचर में आ गए तो यहां पर ये सिचुएशन बहुत अच्छी हो गई हालांकि इस भाव के ऊपर केतु की दृष्टि जा रही है लेकिन कोई भी पाप ग्रह दूसरा इस भाव को नहीं देख पा रहा इस भाव का स्वामी जरूर सूर्य के साथ है लेकिन वो एक पाप ग्रह है एक पाप ग्रह सप्तम को देख रहा है ना ही इसको राहु देख पा रहा है ना ही इसको शनि देख पा रहा है ना ही इस भाव को मंगल देख पा रहा है तो निश्चित तौर पर मैरिड लाइफ जो है वो स्मूथ चलेगी इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है धनुराशि के जातकों के लिए सप्तम और सप्तमेश दोनों जो ग्रह है वो ठीक स्थिति में है कारक शुक्र जो है वो भी अच्छी स्थिति में है मैरिज के कारक मेल्स के लिए लेकिन फीमेल्स के लिए स्थिति थोड़ी सी अलग है क्योंकि गुरु जो है वो हस्बैंड के कारक होते हैं गुरु फीमेल कुंडली में जो है वो शादी के भी कारक हैं शुक्र भी कारक होते हैं और गुरु भी कारक होते हैं तो गुरु का राहु के तो एक्सेस में आना और मंगल की दृष्टि उसके ऊपर आना और शनि की दृष्टि उसके ऊपर आना यह स्थिति अच्छी नहीं है फीमेल्स को थोड़ा सा इश्यू हो सकता है मैरिड लाइफ में मेल्स के लिए थोड़ा सा जो धनु राशि के जातक मेल्स हैं उनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ वाली नहीं है चीजें सामान्य रहेंगी आगे देखेंगे आपका हेल्थ कैसी रहेगी तो हेल्थ भाव का स्वामी शुक्र जो है वो शुभ गोचर में है और छठे भाव के ऊपर किसी भी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं आ रहा ना केतु का प्रभाव है ना सूर्य का प्रभाव है सूर्य दादर शुभ गोचर में है आगे भी शुभ गोचर में रहेंगे हालांकि यहाँ पर आकर नीच हो जाएंगे सत्रह को लेकिन इसके बावजूद ग्यारहवें भाव में डायरेक्शन स्ट्रेंथ पूरी होती है ये ग्यारहवां भाव इच्छाओं की पूर्ति का वृद्धि का भाव होता है लिहाजा इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है हेल्थ को लेकर यदि हम छठा भाव देखते हैं तो छठा भाव खाली पड़ा हुआ है इसके ऊपर मंगल सिर्फ देखेंगे और कोई ग्रह नहीं देख रहा तो ये स्थिति ऐसी बनती है कि चोट का निशान जो है वो योग जरूर बनता है दुर्घटना जरूर थोड़ी छोटी बहुत हो सकती है लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थ को लेकर कोई इशू नहीं आएगा धनुराशि के जातकों के लिए हम देख रहे हैं कि कर्म के लिहाज से आय के लिहाज से या हेल्थ के लिहाज से रिलेशनशिप के लिहाज से चीजें अच्छी चल रही हैं और यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं यानी कि जिनकी शादी होने वाली है या जिनको पार्ट जिनके पास पार्टनर नहीं हैं उनके लिए भी चीजें थोड़ी सी अच्छी रहेंगी क्योंकि पंचम भाव का स्वामी मंगल खुद भाव को एक्टिवेट करेगा भाव को देखेगा और वो भाव जो है गुरु के भी प्रभाव में आ गया इधर तीन पापग्रह जो है वहाँ पर देख रहे हैं और चौथा ग्रह वहाँ पर बैठा हुआ है और शनि भी देख रहा है तो ये स्थिति इस प्रकार की बन रही है कि जो आ, सिंगल्स हैं जिनके रिलेशनशिप की बात चल रही है चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है वहाँ पर थोड़ी सी अड़चन जरूर आ सकती है थोड़ी सी देरी जरूर आ सकती है ये स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही है और एक चीज़ और हो सकती है जो आ, महिलाएं आ, प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं या धनुराशि के जातक जिनकी वाइफ हैं वो प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही हैं तो वहाँ पर चीज़ थोड़ी सी आ, पंचम भाव थोड़ा सा डिस्टर्ब ज़रूर नज़र आ रहा है क्योंकि संतान का कारक गुरु होता है वो भी पंचम में है हालांकि शुभ गोचर में है लेकिन तीन और चौथा शनि ये चारों ग्रह पंचम को देख रहे हैं ये थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ पर सावधानी बरतने की जरूर जरूरत पड़ेगी और यदि आप किसी के साथ एंगेजमेंट में हैं किसी के साथ बातचीत बातचीत है आपकी अंडरस्टैंडिंग है वहां पर थोड़ा सा तालमेल आपको ठीक रखना पड़ेगा क्योंकि आ, केतु की दृष्टि शनि के ऊपर है और शनि जो है आपकी कुंडली में वाणी वाले भाव का स्वामी है कुटुंब वाले भाव का भी स्वामी है शनि चूंकि आप भी पाप ग्रह हैं केतु की दृष्टि भी है उसके ऊपर तो निश्चित तौर पर वहां पर आप अपने लैंग्वेज से यानी कि आप अपने बोल जो होते हैं कई बार हम रिएक्ट कर जाते हैं उससे किसी के मन को कष्ट पहुँचा सकते हैं वहां पर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती हैं ये स्थिति थोड़ी सी आपको संभालनी पड़ेगी अक्टूबर महीने के दौरान अदरवाइज यदि हम स्टूडेंट्स के लिए देखते हैं तो बुद्ध शुभ गोचर में है अकेडमिक एजुकेशन uh, के कारक हैं चौथे भाव को देख रहे हैं पंचम में गुरु बैठे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी समय जो है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं आगे कुछ लोगों ने विदेश में जाना पढ़ने के लिए कुछ लोग यहीं पर पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग टेस्ट देंगे आगे बड़े एडमिशंस के लिए तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए अच्छी रहेंगी अदरवाइज यदि पूरा ओवरऑल देखिए अक्टूबर का महीना तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं सिवाय एक थोड़ा सा दुर्घटना का योग बनता है या फिर आपके लिए जिनका रिलेशनशिप है वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट हो सकता है सिंगल्स के लिए सॉरी जो मैरिड नहीं है जो एंगेजमेंट अंगेड़, में है थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो सकता है बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं कुंडी में छः आठ बारह में कोई ग्रह नहीं आया है अक्टूबर महीने में तो कोई भी भाव जो है वो पाप कर्तरी में भी नहीं आ रहा भाव सारे जो हैं वो ठीक स्थिति में हैं शनि और राहु जरूर चौथे भाव को पाप कर्तरी में ले रहे थे लेकिन चूंकि गुरु का प्रभाव है तो पाप मध्य जरूर आ गया लेकिन पाप कर्तरी में नहीं है पंचम के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव थोड़ा सा गलत है बस वही एक कंसर्न वाली स्थिति है अदरवाइज बाकी सारा अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है तो ये धनु राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल है ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार